फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम आपको बताएंगे बीज वैक्स के बारे में। मींस बीज वैक्स होता क्या है, इसका सोर्स क्या है और किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, क्या इसका केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, किस तरीके से इसमें मिलावट को या इसको इवेल्युएट किया जाता है और इसका यूजेस क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले हमने लिपिड्स के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, मींस फैट्स, ऑयल, वैक्सेस क्या होते हैं, इसका किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसके सोर्सेस क्या है इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, इसको किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री के बारे में। तो उस वीडियो का जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो बीज वैक्स है, ये बीज वैक्स को और क्या बोला जाता है, इसको सेराफ्लावा, सेराअल्बा या येलो वैक्स भी कहते हैं। ये बीज वैक्स हमको ऑप्टेन कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज अ प्यूरिफाइड वैक्स। ये क्या है, प्यूरिफाइड वैक्स मीन्स हम इसको प्रिपेयर करते हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन। और ये कहाँ से हमको ऑप्टेन होता है, फ्रॉम द हनीकॉम्ब ऑफ हनी बीज, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफिका एंड अदर स्पीसीज ऑफ एपी विच बिलोंग्स टू द फैमिली एपिडी। मतलब कि जो मधुमक्खी का जो छाता होता है, इस मधुमक्खी के छाते में जो वैक्स होता है उसी वैक्स को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है और उसको प्यूरिफाई करते हैं और वही क्या कहलाता है, वही बीज वैक्स कहलाता है। तो किस तरीके से इस बीज वैक्स को प्रिपेयर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है फॉर द मार्केट। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हनीकॉम्ब से, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द हनी मीन्स उस हनीकॉम्ब से, मधुमक्खी के छाते से शहद को, हनी को अलग करने के बाद उस मधुमक्खी के छाते को क्या किया जाता है, वो जो हनीकॉम्ब है, वो मधुमक्खी के छाते, उसकी जो कैपिंग है, कैपिंग क्या होता है, मतलब कि उस मधुमक्खी के ऊपर जो है वैक्स की, वैक्सी जो लेयर होता है, वैक्सी लेयर इसलिए होता है कि जो हनी बीज होते हैं, जो मधुमक्खी वो क्या करते हैं, जो हनीकॉम्ब में क्या करते हैं, हनी डिपॉजिट करने के टाइम पे, हनी डिपॉजिट करने के बाद उसमें वैक्सी लेयर से उसको कोट कर देते हैं, कैप कर देते हैं, ताकि वो जो हनी है उसके अंदर वो प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्ट रहे। इसी कारण से वो वैक्सी जो कोटिंग है, ये वैक्सी जो लेयर जो कवर कर देते हैं, उसी को हम कैपिंग बोलते हैं। तो जो वो हनीकॉम्ब में मधुमक्खी का छाता, कैपिंग ऑफ हनीकॉम्ब, उसको क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ब्रेक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको हम सॉफ्ट वाटर में उसको बॉयल किया जाता है। हम यहाँ पे सॉफ्ट वाटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट वाटर से इमल्शन फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हार्ड वाटर लेते हैं तो ये जो बीज वैक्स है ये वाटर के साथ मिक्स किए इमल्शन फॉर्म कर लेगा, इसी कारण से हम यहाँ पे सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। तो सॉफ्ट वाटर के साथ ये कॉम्ब है और जो कैपिंग है जो हनी कॉम्ब का, तो उसको क्या करते हैं, उसको बॉयल किया जाता है। और इससे क्या होता है, जो वैक्स है वो क्या हो जाते हैं, बॉयल करने पर वो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है। तो किस तरीके से करते हैं, हम एक पोरस बैग लेते हैं, एक पोरस बैग मिसली, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो ये हनी कॉम्ब है, मधुमक्खी के छाते को और कैपिंग्स को उसमें डाल दिया जाता है उस बैग में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको पैक करने के बाद उसको पानी में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने से क्या होगा, जो वैक्स है वो मेल्ट होगा और वैक्स जो है मेल्ट होने के बाद वो जो पोरस बैग है उसके पोर्स से जो वैक्स है वो मेल्ट होके क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, पानी में आएगा। इसी कारण से हमने लिखा है इट इज कैप्ट इन द वाटर बाय एनक्लोजिंग इन द पोरस बैग। और फिर क्या होगा, वैक्स जो है मेल्ट होने के बाद ऊजेस मतलब कि वहां से जो है अंदर से क्या हो गया, इस हनीकॉम्ब से, कैपिंग से, वो मेल्ट होके क्या होगा, मेल्ट होके वो बाहर आएगा उस बैग से, पोरस बैग से। और उसके बाद उसको कलेक्टेड आउटसाइड द बैग, ये क्या होगा, जो बैग के बाहर में कलेक्ट होते जाएगा और बैग के बाहर में कलेक्ट हो जाएगा। और जितने भी जो अदर जो डेब्रीज हैं, अदर जो मधुमक्खी का जो छाता है ये जो, वो क्या हो जाएगा, वो बैग के अंदर ही रह जाएगा। तो जो मेल्टेड जो वैक्स है वो ठंडा होने पे क्या होगा, वो ठंडा होने पे जो है सॉलिडिफाई होगा और फॉर्म केक और फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। मीन्स ये जो मोल्टेड बैग्स जो होते हैं, जो पोरस बैग से बाहर होने के बाद जब पानी में आते हैं और वहां पे जब उसको ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने के बाद क्या होता है, ये बैग जो है सॉलिडिफाई हो जाता है और केक फॉर्मेशन हो जाता है और ये पानी के सरफेस में मतलब सतह पे ये क्या करते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। और फॉरेन मैटर और अदर डेब्रीज जो रहते हैं ऑन द आउटर सरफेस आर रिमूव्ड बाय स्क्रैपिंग, मतलब कि जो वो बैग है उसके आउटर सरफेस में जो फॉरेन मैटर जो रह गए हैं उसको स्क्रैप करके उसको बाहर कर लिया जाता है। और जो वाटर सोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और जो अदर इम्प्योरिटीज है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं
वो क्या हो जाते हैं, वो हैवियर होने की वजह से वाटर में नीचे सिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज है उस वो रिमूव होता है और हमको क्या मिलता है, हमको जो वो जो केक फॉर्म में मिलता है वो क्या है, वो सॉलिड बीज वैक्स है। अब इसको क्या किया जाता है, इस वैक्स को फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। तो इसको फर्दर हम इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं, ये जो वैक्स हमको जो मिला है, तो क्या किया जाता है, वैक्स को हम उस पानी से रिमूव करते हैं और जो बैग है बैग के अंदर ही वो सारा जो इम्प्योरिटीज था, जो कॉम है जिससे वैक्स जो है रिमूव हो गया है, उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा है जो वैक्स है, जो सॉलिड वैक्स है, उसको रिमूव करने के बाद क्या किया जाता है, उसको फर्दर जो है हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन, मतलब कि फर्दर उसको बॉइलिंग वाटर में उसको डाल दिया जाता है या डायलूट H2SO4 में डाल दिया जाता है ताकि वो मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, उसमें फर्दर कोई इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगा, वो वाटर के नीचे सेटल हो जाएगा और जो वैक्स है वो अगेन जो उसको ठंडा किया जाता है और वैक्स ठंडा होने पे क्या होगा, अगेन केक फॉर्मेशन होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस को हम सेवरल टाइम रिपीट करते हैं फॉर टू गेट प्योर येलो बीज वैक्स। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हमको जो येलो बीज वैक्स जो हमको ऑब्टेन होता है वो प्योर होता है और फिर हम इस प्योर येलो बीज वैक्स से फिर व्हाइट बीज वैक्स बनाया जाता है। किस तरीके से बनाते हैं, तो नेचुरली जो हम ये बीज वैक्स जो कलेक्ट करते हैं प्रिपेयर करते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरली जो है येलो कलर का होता है। तो ये येलो बीज वैक्स से हम व्हाइट बीज वैक्स बनाते हैं बाय द ब्लीचिंग। तो क्या किया जाता है, इस येलो बीज वैक्स को ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने से ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हम ब्लीचिंग करते हैं बाय यूजिंग द केमिकल एजेंट्स सच एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट यूज किया जाता है, या तो हम चारकोल भी यूज करते हैं या ओजोन भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग के लिए, या क्रोमिक एसिड या क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है, या नेचुरली ब्लीचिंग करते हैं। किस तरीके से नेचुरली ब्लीच किया जाता है, तो नेचुरली ब्लीचिंग करते हैं बाय एक्सपोजिंग द थिन लेयर ऑफ द बीज वैक्स टू द डायरेक्ट सनलाइट। तो इससे हमको क्या मिलता है, जिससे जो प्योर येलो बीज वैक्स है वो प्योर व्हाइट बीज वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और केमिकली जब किस तरीके से इसको व्हाइट बीज वैक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इन क्या किया जाता है, इस मेल्टेड बीज वैक्स है तो मेल्टेड बीज वैक्स लेते हैं और उसको एक रोलिंग सिलेंडर में उसको क्या किया जाता है, उसको पोर किया जाता है, जिससे जो थिन स्ट्रिप ऑफ जो है बीज वैक्स बनता है और उसके बाद उसको इस केमिकल से ट्रीट किया जाता है फॉर ब्लीचिंग। तो इस तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाता है बीज वैक्स को फॉर द मार्केट। और दो तरीके के बीज वैक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, येलो बीज वैक्स और व्हाइट बीज वैक्स, विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ब्लीचिंग ऑफ येलो बीज वैक्स। तो ये हो गया प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बीज वैक्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे येलो बीज वैक्स है तो उसका कलर क्या होता है, येलो से येलोइश ब्राउन कलर का होता है और ऑर्डर क्या होता है, एग्रीएबल एंड हनी लाइक ऑर्डर होता है। और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन वैक्सी सब्सटेंस होते हैं और सॉफ्ट होते हैं टू टच और क्रम्बल हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं जब हम उसको फिंगर में प्रेस करते हैं इनटू द प्लास्टिक मास की तरह। और ये जो है ग्रैनुलर इसका फ्रैक्चर होता है। और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो बीज वैक्स ये क्या होते हैं, ये जो है वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बट इसकी सॉल्युबिलिटी किसमें होती है, हॉट अल्कोहल में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है बीज वैक्स की। तो आप ये जो देख रहे हैं ये जो है येल्लो बीज वैक्स है, मतलब की हनीकॉम और कैपिंग को इस तरीके से प्रोसेसिंग और प्रिपेयर करने के बाद बीज वैक्स जो है इस तरीके से दिखता है। और इस बीज वैक्स को हम मेल्ट करके कोई भी डिजायरेबल शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीज वैक्स, मीन्स बीज वैक्स में क्या क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन टू लिपिड में बताया था कि लिपिड्स के अंदर क्या आता है, लिपिड्स के अंदर आता है फिक्स्ड ऑयल, फैट एंड वैक्सेस। और हमने आपको ये भी बताया था कि वैक्स क्या होता है, वैक्स जो है केमिकली क्या होते हैं, और मीन्स वैक्स के अंदर जो इसकी क्या केमिस्ट्री है, मीन्स इसके अंदर जो मेन केमिकल्स होते हैं वो केमिकली होते क्या हैं। तो वैक्स के अंदर जो मेन केमिकल्स होते हैं वो क्या होता है, वो ईस्टर होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड हाई मॉलिकुलर वेट एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मीन्स इस हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल और फैटी एसिड का ईस्टर होता है ये वैक्स केमिकली। और तो बीज वैक्स भी क्या है, बीज वैक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वैक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स।
तो इस बीज वैक्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्या मेन केमिकल? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बीज वैक्स इट कंसिस्ट ऑफ द ईस्टर ऑफ स्ट्रेट चैन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विथ स्ट्रेट चैन फैटी एसिड्स, और इसमें जो मेन केमिकल होता है, जो ईस्टर होता है, उसका नाम है मिरिसिन, और इसको हम मिरिसाइल पाल्मिटेट भी बोलते हैं, जो कि 80% प्रेजेंट होता है। मिरिसाइल पाल्मिटेट क्या है? मिरिसाइल पाल्मिटेट जो है ये ईस्टर है। किसका ईस्टर है? इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके कंबाइन होके जो ईस्टर बना है वो उसका नाम है मिरिसाइल पाल्मिटेट। और इसमें फैटी एसिड क्या है? इसमें फैटी एसिड है पाल्मिटिक एसिड, और इसमें अल्कोहल क्या है? फैटी अल्कोहल है मिरिसाइल अल्कोहल, और ये दोनों ही मिलके क्या बने हैं? ईस्टर, जिसका नाम है मिरिसाइल पाल्मिटेट, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे वैक्स के डेफिनेशन में बताया। ये इसको हम मिरिसिन भी बोलते हैं, और इसमें फ्री सेरोटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है अबाउट 15% एंड स्मॉल क्वांटिटी में इसमें मैलिसिक एसिड, और जो एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो है सेरोलीन। सेरोलीन इज द एरोमेटिक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द बीज वैक्स। इसके अलावा इसमें मैलिसाइल स्टीरेट भी प्रेजेंट होता है, सेराइल अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, हायर अल्कोहल एंड हायर हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट होते हैं इन द स्मॉल अमाउंट। और ये जो मिरिसाइल पाल्मिटेट है, तो हमने आपको बताया था ये जो मिरिसाइल पाल्मिटेट है इसमें जो अल्कोहल होता है वो मिरिसाइल अल्कोहल होता है। तो जब इस मिरिसाइल पाल्मिटेट का जब हम सेपोनिफिकेशन करते हैं, सेपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें सोप का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में क्या किया जाता है, जब इस मिरिसाइल पाल्मिटेट हो गया, ये ऑयल्स हो गए या फैट हो गए, इसको हम जब अल्कोहलिक या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स किसी अल्कली से उसको जब हम ट्रीट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो ईस्टर्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं और इसमें कन्वर्ट होते हैं पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो इसमें प्रेजेंट होता है, और जो रिलीज होता है वो है अल्कोहल। वो क्या है, मिरिसाइल पाल्मिटेट का जब सेपोनिफिकेशन करते हैं तो जो अल्कोहल रिलीज होता है वो है मिरिसाइल अल्कोहल, और जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो बनते हैं, मतलब कि ये मिरिसाइल पाल्मिटेट में फैटी एसिड क्या बन जाता है, सोडियम या पोटेशियम जो भी अल्कली से ट्रीट किए हैं तो उसका सॉल्ट बन जाता है। मीन्स जैसे यहाँ पे बनेगा पाल्मिटेट है तो पाल्मिटिक एसिड के सॉल्ट बनेगा, और मिरिसाइल अल्कोहल जो है मतलब कि इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाता है। तो यही सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ही क्या कहलाता है, सोप मॉलिक्यूल कहलाता है, और इसी कारण से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीज वैक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीज वैक्स को के एडल्टरेशन को, मिलावट को इवेल्युएट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है बाय डिफरेंट केमिकल टेस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं बीज वैक्स के, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बीज वैक्स को, इसमें मिलावट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इस बीज वैक्स के यूजेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ बीज वैक्स। तो बीज वैक्स के क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, मीन्स ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमने लिखे हैं इसके क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं जिससे हम उस बीज वैक्स का क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं। मतलब कि इन स्टैंडर्ड वैल्यूज से ही हम कंपेयर करके बीज वैक्स की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, तो प्योर बीज वैक्स जो होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की जो रेंज होती है वो 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, मीन्स इस रेंज में होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है प्योर बीज वैक्स का, जो लिमिट होता है वो है 0.958 से 0.967। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है सेपोनिफिकेशन वैल्यू। ये जो प्योर बीज वैक्स का जो स्टैंडर्ड सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती है वो किसके बीच में होता है, स्टैंडर्ड जो लिमिट होता है वो 90 से 103 के रेंज में होता है। और ये सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था ये लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के अंदर आता है ऑयल फैट एंड वैक्सेस, और ये ऑयल फैट और वैक्सेस ये केमिकली क्या होते हैं, तो ये जो ऑयल एंड फैट होता है ये केमिकली ईस्टर्स होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मेनली ये होता है, और ये जो वैक्स होता है ये वैक्स भी केमिकली क्या होता है, ये ईस्टर्स होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड
हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है? सेपोनिफिकेशन वैल्यू में हम डिटरमाइन करते हैं, मीन्स ये सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है इसको डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ KOH, अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम विच इज रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई द ईस्टर्स विच इज प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ फैट ऑयल और वैक्सेस। मतलब कि उस सैंपल में, मीन्स 1 ग्राम के सैंपल में जो ईस्टर्स प्रेजेंट है तो उसको हाइड्रोलाइज होने के बाद उसको सेपोनिफाई करने के लिए कितना अमाउंट का KOH रिक्वायर्ड होता है इन mg में, और उसमें जो फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सेपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। इसको हम सेपोनिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, इसमें जो ईस्टर्स होते हैं, तो ईस्टर्स हमने आपको बताया फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो इसका अल्कोहल पार्ट हाइड्रोलिसिस होने पर लिबरेट हो जाता है, और इसका जो फैटी एसिड पार्ट होता है वो फैटी एसिड पार्ट हाइड्रोलिसिस होने पे क्या में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब कि अगर हम KOH लेते हैं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, अगर हम NaOH लेते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है। तो यही जो है सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये क्या कहलाता है, यही सोप मॉलिक्यूल है, मीन सोप का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हम सेपोनिफाई होना बोलते हैं। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती है, इसकी लिमिट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 90 से 103 ऑफ प्योर बीज़वैक्स। एंड नेक्स्ट आते हैं ईस्टर वैल्यू। ईस्टर वैल्यू कितना होता है, 80 से 95 के बीच में होता है, इसी रेंज में होता है। ईस्टर वैल्यू क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ KOH इन mg विच इज रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई द ईस्टर्स विच इज प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ लिपिड, 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल, मीन्स 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल में जो ईस्टर्स प्रेजेंट है उस ईस्टर को हाइड्रोलाइज होने के बाद उसको सेपोनिफाई होने के लिए कितना अमाउंट का KOH इन mg रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम ईस्टर वैल्यू बोलते हैं। तो इसका रेंज 80 से 95, एसिड वैल्यू 5 से 10 के बीच में होता है। एसिड वैल्यू मतलब कि अगेन इज द अमाउंट ऑफ KOH इन mg विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स विच इज प्रेजेंट इन द बीज़वैक्स या अदर सैंपल ऑफ ऑयल एंड फैट। तो एसिड वैल्यू बिटवीन 5 to 10 होता है ये इंडियन बीज़वैक्स का, और जो यूरोपियन जो बीज़वैक्स होते हैं इसकी एसिड वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, बिटवीन 17 से 22, और इंडियन जो बीज़वैक्स होता है उसका कम होता है 5 से 10 के बीच में होता है। ये हो गए स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, केमिकल टेस्ट ऑफ बीज़वैक्स। तो किस तरीके से हम केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगा के इस बीज़वैक्स की प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेस्ट, सेपोनिफिकेशन क्लॉड टेस्ट। सेपोनिफिकेशन क्लॉड टेस्ट में क्या किया जाता है, 0.5 ग्राम हम बीज़वैक्स का सैंपल को लेते हैं, उसमें हम एक्वस कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन ऐड किया जाता है, और उसके बाद उसको हम बॉयल करते हैं फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है। अगर उसमें कोई टर्बिडिटी दिखती है तो वो क्या है, उस बीज़वैक्स में मिलावट कर दिया गया है, और अगर उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं दिखती है इसका मतलब कि वो क्या है, वो बीज़वैक्स है, वो प्योर है, उसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं किया गया है, किसी भी अदर वैक्स और फैट का मिलावट नहीं किया गया है। तो ये हो गया। अब किस तरीके से इस बीज़वैक्स में मिलावट किया जाता है, मीन्स एडल्टरेशन किया जाता है, मीन्स क्या क्या मिलावट करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती है, मिलावट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उन सब्सटेंस को हम एडल्टरेंट्स बोलते हैं। तो क्या क्या एडल्टरेंट्स हैं बीज़वैक्स के, तो कोलोफोनी रेजिन जो हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, जो हमको ऑप्टेन होता है पाइनस ट्री से, तो ये कोलोफोनी रेजिन को मिला दिया जाता है। हार्ड पैराफिन, हार्ड पैराफिन को मिला दिया जाता है। किस तरीके से हार्ड पैराफिन को यूज़ किया जाता है एडल्टरेंट, तो हार्ड पैराफिन को मेल्ट करने के बाद जो है येलो बीज़वैक्स में मिलावट करने के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हार्ड पैराफिन को मेल्ट करने के बाद इसको येलो कलर, बस येलो कलर डाल दिया जाता है, ताकि जब ये मेल्टेड जो पैराफिन जो वापस से जब ये हार्ड हो तो ये येलो कलर दिखे, मतलब जस्ट लाइक दैट ऑफ बीज़वैक्स। तो इस तरीके से हार्ड पैराफिन का मिलावट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टीरिक एसिड का, जापान वैक्स, कार्नोबा वैक्स एंड स्पर्मिसिटी लार्ड एंड अदर फैट एंड वैक्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन, और वाइट बीज़वैक्स का हम मिलावट कर दिया जाता है विद स्टार्च। तो ये डिफरेंट एडल्टरेंट्स हैं जिसको बीज़वैक्स में मिलावट के लिए यूज किया जाता है। और इवैल्यूएशन एंड डिटेक्शन ऑफ एडल्टरेशन, मीन्स किस तरीके से ये चीज़ें जो मिलावट की गई है, तो बीज़वैक्स में मिलावट को किस तरीके से हम जांच सकते हैं, पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं,
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि इस बीज वैक्स की सोल्यूबिलिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग एंड उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने आपको बताया था बीज वैक्स का जो स्टैंडर्ड, जो प्योर बीज वैक्स जो होते हैं उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट की, 62 से 65 के रेंज में होती है। तो क्या होता है, तो जब अगर उसमें किसी अदर फैट और वैक्सेस का अगर मिलावट कर दिया गया है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वैरी होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर उसमें हार्ड पैराफिन अगर मिला दिया जाता है या उसमें लार्ड अगर मिला दिया जाता है तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो हो जाती है। और अगर इसमें स्पर्मिसिटी या लार्ड का अगर मिलावट कर दिया गया बीज वैक्स में तो ये बीज वैक्स क्या होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। और साथ ही ये जब इसको हीट किया जाता है तो इसका जो ऑर्डर भी क्या होता है, डिफरेंट आता है। इस तरीके से मिलावट को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडल्टरेंट्स। एडल्टरेंट्स जापान वैक्स, मीन्स अगर जापान वैक्स मिला दिया जाता है तो एक्चुअली में ये जापान वैक्स जो है ये एक्चुअली में फैट होता है। और ये फैट हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, दिस फैट ऑप्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ रस सक्सीडेनिया एंड अदर स्पीसीज ऑफ रस, और इसी स्पीसीज के फ्रूट से इस जापान वैक्स को प्रिपेयर किया जाता है। और इसको मिलावट के लिए यूज कर किया जाता है बीज वैक्स में। और इसको हम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये किस तरीके से दिखता है, ये पेल येलो सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट रेंज होता है इसका 50 से 56 डिग्री सेल्सियस। तो इस मेल्टिंग पॉइंट रेंज से हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं इस बीज वैक्स में इस जापान वैक्स के मिलावट को। तो इसके अपीयरेंस से और इसके मेल्टिंग पॉइंट के रेंज से हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं इस बीज वैक्स में जापान वैक्स के मिलावट को। इसके बाद अगर इसमें मिलावट कर दिया गया है वाइट बीज वैक्स में स्टार्च का, तो क्या किया जाता है, वाइट बीज वैक्स का सैंपल हम लेते हैं जिसमें हमको चेक करना है मिलावट को। उसको सैंपल को लेने के बाद उसको में हम वाटर डालते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद ये वाइट बीज वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और अगर कलर जो है ब्लू कलर आ जाता है इसका मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है उस वाइट बीज वैक्स में। और अगर कोई भी ब्लू कलर नहीं आता है इसका मतलब उसमें स्टार्च एब्सेंट है, मतलब कि उसमें स्टार्च का मिलावट नहीं किया गया है वाइट बीज वैक्स में। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ बीज वैक्स, मीन्स इस बीज वैक्स को फार्मास्यूटिकली कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और इसका कमर्शियली इस बीज वैक्स को कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एज अ स्टिफनिंग एजेंट, मीन्स इस बीज वैक्स को एज अ फार्मास्यूटिकल एड यूज करते हैं एज अ स्टिफनिंग एजेंट। या सिंपल से कहें हम स्टिफनिंग एजेंट मतलब की हार्डनिंग एजेंट, किसी भी चीज को हार्ड करने के लिए कोई प्रिपरेशन को, या इसको यूज किया जाता है एज अ बेस, मीन्स डिफरेंट टाइप्स की जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं जिसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है तो उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस बीज वैक्स को ऐसा हार्डनिंग एजेंट यूज किया जाता है या ऐसा बेस यूज किया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, मीन्स ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए इस बीज वैक्स को एज अ ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर्स, मीन्स प्लास्टर्स के प्रिपरेशन में इस बीज वैक्स को यूज किया जाता है एज अ हार्डनिंग एजेंट, एज अ बेस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिरप्स, सिरट्स के प्रिपरेशन के लिए भी इस बीज वैक्स को यूज किया जाता है। तो सिरट्स क्या होते हैं, सिरट्स एक तरीके से कह सकते हैं इट इज अ हार्ड ऑइंटमेंट, या कह सकते हैं इट इज अ मेडिकेटेड पेस्ट। और इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें मेडिसिन ऐड किए जाते हैं, इसके अलावा इसमें जो है सिरट्स में ऑयल हो गया, लार्ड्स हो गए या रेजिन और वैक्स मिला के जो है इस सैरेट्स को बनाया जाता है। और ये जो सैरेट्स है इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है और इस सैरेट्स के प्रिपरेशन में भी बीज वैक्स को हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे लिखे हैं पॉलिशेस, पॉलिशेस के प्रिपरेशन के लिए भी बीज वैक्स को यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इट इज लार्जली कंज्यूम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बनाने के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बीज वैक्स को यूज किया जाता है मोस्टली। जैसे कि एग्जांपल लिप बाम्स हो गया, लिपस्टिक हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, फेस क्रीम हो गया, तो उसमें यूज किया जाता है इस बीज वैक्स को। और इसके अलावा अदर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं और इसको लार्जली इस बीज वैक्स को यूज किया जाता है ऑल्सो इन द कैंडल इंडस्ट्रीज में, इसको यूज करते हैं कैंडल इंडस्ट्रीज में कैंडल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्स पेपर, वैक्स पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, मीन्स इस वैक्स की कोटिंग की जाती है उस पेपर में ताकि पेपर को वाटर रेजिस्टेंस बना सके। इसके बाद शू पॉलिशेस में भी यूज किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो यूज एज फॉर द मोल्डिंग ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के मोल्डिंग्स के लिए भी इस बीज वैक्स को यूज किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इट इज ऑल्सो यूज इन डेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है. मीन्स डेंटल पर्पज में मीन्स इस डेंटल फिलिंग के लिए भी इस बीज वैक्स को यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पर्पज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंसुलेशन पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द पैराफिन ऑइंटमेंट आईवी. मीन्स इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो पैराफिन ऑइंटमेंट का जो फॉर्मूला है तो उसमें बीज वैक्स इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट. तो ये हो गया uses of beeswax. और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वॉल्यूम 1 बीडी रंगारी से, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बीडी साइन एके सर से, फार्माकोग्नोसी की बुक सीके कोकाटे से. थैंक यू.